नमस्कार दोस्तों। इंसान इसीलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपने को छोड़ने की सलाह गैरों से ले लेता है। नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रही हैं आपके राशिफल के बारे में। आज आपका 14 मार्च दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और आपको बता दें आने वाले समय में वो कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, और इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। यदि दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन है। दोस्तों, कमेंट में जय सियापति राम जरूर लिखना। वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 14 मार्च 2023 दिन मंगलवार। आज की तिथि है सप्तमी। आज का नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। दोस्तों, आज सूर्यदेव उदय होंगे। सुबह 6:32 पर सूर्यदेव अस्त होंगे, शाम 6:28 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 10:31 से सुबह 11:19 तक रहेगा। यदि दोस्तों कोई भी शुभ काम करना हो इसी समय करें, यह आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 1:42 से दोपहर 2:30 पर। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 3 और लकी कलर है भूरा और सफ़ेद। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका दिन, आइए जानते हैं। आपका आत्मविश्वास आपके रिश्ते को रंगीन करने में जादू जैसा काम करने वाला है। आपका सामाजिक दायरे में भी वृद्धि होगी, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव उत्पन्न करने वाला है। इसके साथ ही दोस्त, आप सभी को बता दूं कि आप लोग अपने जीवन साथी के साथ अच्छा महसूस करने वाले हैं। दोस्तों, सही ढंग से आप धन को प्राप्त करने का प्रयास करें। नए व्यापार की शुरुआत के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको आज किसी नई योजना का पता चल सकता है। काम के सिलसिले में आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी प्रतिभा दिखाने का इन लोगों को मौका मिलने वाला है। आय तथा आपके लिए उन्नति भरा रहेगा। उदास महसूस कर रहे लोगों को करीबियों से मिलने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन सकती है। कामकाज में मन चाहे बदलाव करने के योग बनेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोग का समय काफ़ी उचित समय पर चल रहा है। नवविवाहित जोड़े थोड़े समय के लिए एक दूसरे से कुछ अलग हो सकते हैं। प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज अपने रिश्ते किसी कमी पर दूर करने की कोशिश करेंगे। यदि आप शेयर बाज़ार की स्थिति में आग लगाना चाहते हैं तो दोस्तों दिन आपका है, आप बड़ा धमाका कर सकते हैं। जिन लोग का व्यापार सुस्त पड़ गया है वे तरक्की की राह पर हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, परेशानियां तो रह सकती हैं लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन भी जल्दी मिल जाएगा। कुछ ज़रूरी काम अधूरे रह सकते हैं। जून एवं दिसंबर के महीने में दुर्घटना होने की आशंका है। वाद विवाद तथा मन मुटाव भी हो सकता है। करियर को लेकर बात की जाए तो दोस्तों, बिजनेस में आगे बढ़ते रहिए, इसमें आपको खास उपलब्धियां मिलेंगी। वह नौकरी में प्रमोशन के योग भी काफ़ी हद तक बन रहे हैं। कुछ अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों, संभल कर रहने की आवश्यकता है। गुस्से और जल्दबाजी में आकर सोच समझे लिए गए फैसले को यूं बर्बाद ना करें। समय अच्छा रहेगा। इन दिनों में नई पार्टनरशिप भी हो सकती है। नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। नए संबंध भी आप लोगों के निर्मित हो सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात की जाए तो दोस्तों, आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। इस समय दोस्तों काफ़ी पॉजिटिविटी रह सकती है। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी
और पढ़ाई से दोस्तों किसी दूसरे स्थान भी जा सकते हैं। छोटी बातों से अपना मन ना बहलाएं, आप लोग बड़ा काम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, प्रपोजल देने के लिए ये समय अभी ठीक नहीं है, नहीं तो आप लोगों को ऑफिस के काम से हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, लव लाइफ की बात की जाए तो दोस्तों कुछ बातों में मन मुटाव हो सकता है। कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों को मन से ना लगाएं, वरना इसके अलावा अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों, विवाह होने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ में रिलेशनशिप के लिए ये भी काफ़ी अच्छे योग हैं। यात्रा कहीं बाहर जाने की आप लोगों की बन सकती है। हेल्थ और स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए, सेहत के लिए समय सामान्य है। इस बार दोस्तों आप लोगों को बड़े परेशानी नहीं होगी, लेकिन मौसम बदलाव के चलते सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। दोस्तों, सेहत संबंधी सावधान रहने की आवश्यकता है। चोट या छोटी दुर्घटना हो सकती है। इस राशि के लिए दोस्तों दिन की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाएंगे। कुछ रिश्तेदारों में बदलाव नजर आ सकता है। खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी सोच सकारात्मक बनेगी, पर जिन लोगों के साथ में रिश्ते ठीक नहीं हैं उनके साथ में रिश्ते सुधार सकते हैं। ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। पारिवारिक स्थिति में सुधारने के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी हद तक सफल दिखाई देंगे। पुरानी दिक्कतों से दूर रहें तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, घर के लिए कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो अभी ज़रा रुके रहें। प्रॉपर्टी संबंधित काम आगे आने पर आप लोग काफ़ी बिजी रह सकते हैं। रिलेशनशिप में सुधार करने की आवश्यकता है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अपनी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों को ठीक से समझें। पार्टनर के साथ में दूसरे की तुलना ना करें। पार्टनर की बातों का ठीक से अवलोकन करने के बाद ही किसी नए निष्कर्ष तक पहुँचें। शारीरिक समस्याएं जो आप लोगों में उत्पन्न हो रही है वह दोस्तों जल्दी समाप्त हो जाएगी और श्री गणेश के आशीर्वाद से आप लोगों को एक पुत्र की प्राप्ति के भी सहयोग बन रहे हैं। इसलिए आपकी राशि के जातकों के लिए उनका आशीर्वाद पर करना चाहिए। जो लोग इतने समय से व्यवसाय को लेकर चिंतित थे, उन लोगों की भी दिक्कतें परेशानियां अब जल्दी समाप्त होने वाली हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।